मिस्टर टॉम, ये बड़ा बड़ा फलसफा बयां करके आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते। एक दिन सच्चाई सामने आके रहेगी, समझे आप? सिर्फ कह देने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई सामने तब आएगी जब आपके पास सबूत और गवाह होंगे। जाइए, पहले जाके सबूत और गवाह ढूंढिए, फिर आइए और हम पे इल्जाम लगाइए। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से हमारा घर एक हुआ है और आप उसे बिखेरना चाहते हैं? नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, चले जाइए यहां से प्लीज। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत समझिएगा कि मेरे जाने के बाद मुसीबत आपके सर से चली गई। मैं फिर आऊंगा और उस वक्त मेरे पास गवाह भी होंगे और सबूत भी। ये पुलिस वाले भी वर्दी पहनने के बाद अपने आप को फिल्मी हीरो समझते हैं, डायलॉग मारते हैं बड़े बड़े, काम कुछ नहीं करते हैं। तुम भी कमाल करते हो ताहा। अरे कानूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की तुम्हें क्या जरूरत है? हो सकता है ये काम अमीर नहीं किया हो। नहीं सुबी, भाभी जान ऐसा नहीं कर सकते। ओफो, ताहा एक तो तुम सीधे बहुत हो, कुछ नहीं समझते, इसीलिए तो आज तक इस घर पर और हमारे बिजनेस पर बड़े अब्बू का राज है। ऐसा मत कहो जुबैदा, अब्बू के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां बड़े अब्बू ने संभाल ली, और फिर मैं भी तो बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। इन्वॉल्व होने से क्या होता है ताहा? सारा बिजनेस तो तुम्हारे अब्बू का है, यानी कि तुम्हारा है। अरे पहले वाली बात तो रही नहीं, तुम समझदार हो गए हो, सब कुछ समझते हो, बिजनेस की इंट्रिकेसीज जानते हो, तुम सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों नहीं ले लेते ताहा? जुबी, अब बड़े अब्बू अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो मैं उनके काम में दखलअंदाजी क्यों करूं? जो मेरा काम है वो तो मैं कर देता हूं। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं ताहा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बेचारे बड़े अब्बू कब तक काम करते रहेंगे? अरे कब तक अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ छूते रहेंगे वो? तुम गलत सोच रही हो सभी, बड़े अब्बू मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाई है, वो बोझ उठा सकते हैं। ताहा तुम कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगे? देखो बड़े अब्बू का असली बिजनेस तो दिल्ली में है, जो उनका पार्टनर संभालता है। अगर बड़े अब्बू का सारा ध्यान यहाँ हमारे बिजनेस में लगा रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका पार्टनर उनका सारा बिजनेस हड़प कर जाए। ये तो मैं तुम्हारे और बड़े अब्बू की भलाई के लिए कह रही हूँ। इस बात पर तो मैंने आज तक गौर नहीं किया, ना ही बड़े अब्बू ने। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताहा, कि जमाना भरोसे वाला नहीं रहा। मैं तो कहती हूँ बड़े अब्बू को फौरन दिल्ली भेजो ताकि वो अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, और जहाँ तक यहाँ के बिजनेस की बात है तो हम दोनों मिलकर ये बिजनेस संभाल लेंगे। अरे मैं हूँ ना ताहा। हाँ जुबी, तुम ठीक कह रही हो, मौका देखते ही मैं बड़े अब्बू से बात करूंगा। गुड मॉर्निंग। कैसी है तबीयत आपकी? जी ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो उस बोतल में बिलार के लिए सचमुच में दवाई लेकर आई थी, फिर उसमें जहर कैसे आ गया? आपको लगता है कि उस बोतल में से दवा निकालकर उसमें जहर भर दिया हो ताकि वो जहर अबीर का बच्चा पिए और उसका इल्जाम आप पर आए? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस बोतल में जहर भरा गया हो और आपको जानबूझकर उकसाया गया हो ताकि आप उस जहर पी लें। और यही हुआ भी है सर। एक बात और बताइए, जो मैंने सुना है कि आपके और आपकी बहू अबीर में काफी दिनों से कुछ अनबन चल रही है। जी आपने सही सुना है। क्या ये अबीर ऐसा कर सकती है? जी हाँ, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ तो क्या
ये बात आप पूरे होशो हवास में रहके कह रही हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। मिसेस जारी, आपको नई जिंदगी मिली जिसके लिए आपको मुबारक हो। जी मैडम, यहाँ साइन कर दीजिए। ये क्या है? आपका बयान। अम्मी ने ये ठीक नहीं किया, कितना गलत बयान दिया है उन्होंने। किस घर में झगड़े नहीं होते? ये बयान देकर निगार घर की इज्जत को बीच बाजार ले आई। लोगों को पता चलेगा तो चौधरी खानदान की इज्जत का क्या होगा? बड़ी अम्मी फिक्र मत कीजिए, भाभी जान को कुछ नहीं होगा। वो तो खुद अपने बीमार बच्चे को मेरे हवाले कर गई। इस वक्त वो खुद परेशान है, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, पर बीमार खाला को देखने उसे जाना ही पड़ा। और उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो शहर छोड़कर भाग गई। भाभी जान को आ जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारी अम्मी ने तो उस पर इल्जाम लगाया है। अम्मी को मैं समझाऊंगा, वो मेरी बात ठुकराएंगी नहीं, मुझे यकीन। जैदी साहब, आप मेरे मैनेजर हैं, ना कि लीगल एडवाइजर, जो मुझे ये राय दे रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। अब्रार साहब, मार्केट में आपका इतना बड़ा नाम है, आपके उसूलों की कायदे कानून वाले मिसालें देते हैं। इस फैसले से कहीं आपके नाम पर दाग न लग जाए। सहदी साहब, लोग तो पहले रास्ता ढूंढते हैं, बाद में मंजिल तय करते हैं, लेकिन मैं पहले मंजिल तय करता हूं, बाद में रास्ता ढूंढता हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब आगे मेरे लिए क्या होगा? चौधरी इंडस्ट्रीज में जिस जिस शख्स ने पैसा लगाया है, मैं चाहता हूं आप उन सब के पैसे उन्हें लौटा दीजिए, क्योंकि चौधरी खानदान सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्जदार रहना चाहिए। मैंने सब लोगों से बात कर ली, जो बोला डबल कीमत देगा तो क्यों इनकार करें? तो फिर सोचना क्या है? बुलाइए बुलाइए उन लोगों को और उनके पैसे लौटा दीजिए। मैंने सब लोगों से बात कर ली, लेकिन एक शख्स है जो मानने को तैयार नहीं। कौन है? जनाब मिस्टर सुहैल। ऐसा क्या काम पड़ गया आपको मुझसे, जो इत्तला दिए बिना चले आए? सोहेल साहब, आप तो जानते हैं मेरा कारोबार दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। मुंबई भी उसका बिजनेस सेंटर है, तो यहां अगर किसी बड़ी कंपनी से हाथ ना मिलाया जाए तो बात नहीं बन। इसीलिए मैं चौधरी के साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। ताकि उसकी आस्तीन का सांप बनकर उसे कभी भी डस सकूं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि चौधरी इंडस्ट्रीज को कोई और फाइनेंस करे। अबरा साहब, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि
आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आपकी जुबान कुछ और कह रही है। सबसे पहले तो मुझे ताहा और चौधरी साहब से इस सिलसिले में बात करनी होगी। उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, पैसा चौधरी दे या मैं दूं? देखिए अपना साहब, मैं वादा खिलाफ नहीं हूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं चौधरी को समझा दूंगा। चौधरी को समझाने से क्या होगा, समझना तो मुझे है। क्योंकि फैसला मुझे करना है और फिलहाल मैंने यह फैसला किया है कि मुझे आप लोगों से कोई डीलिंग नहीं करनी है। अब आप लोग जा सकते हैं। चौधरी, खुशी के मारे जबान लड़खड़ा रही है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा और सुहेल का चाहने वाला बोल रहा हूं। जो भी हो तुम अपना नाम बताओ वरना मैं फोन रख रहा हूं। अरे खुशी मनाने की इतनी जल्दी हो रही है, मेरी पूरी बात सुन लोगे तो खुशी कम नहीं हो जाएगी बल्कि। तुम मुझे कैसे जानते हो, कौन है तुम? अबरार, न्यूज पढ़कर तो तुम बहुत खुश हो रहे हो। किसी के मरने का जश्न दुश्मन मनाते हैं, दोस्त नहीं। अब ये सब कहने की बातें हैं चौधरी। सच तो ये है कि तुम्हारी कंपनी ने उससे पैसा लिया था, तो अब तो तुम खुश हो रहे होगे कि जिसने पैसा दिया था वो तो मर गया, तुम्हें वो पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। इस गलत फहमी में मत रहना चौधरी। सुहेल ने मरने से 2 दिन पहले मुझसे पैसे कर्ज लिए थे, तुम्हारे कर्ज के पेपर गिरवी रखा और पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दिया था। उसका मतलब यह हुआ कि अब तुम मेरे कर्जदार हो,
जिससे मैं जब चाहूं अपना तमाम कर्ज वसूल कर सकता हूं। ये कैसे हो सकता है? उससे पूछे बगैर ये फैसला उसने कैसे लिया? अब ये पता लगाने के लिए तो तुम्हें सुहेल से मिलना पड़ेगा, और सुहेल से मिलने के लिए तुम्हें भी खुदकशी करनी पड़ेगी। खुदकशी? लगता है तुमने पूरी न्यूज नहीं पढ़ी। सुहेल ने खुदकशी की थी क्योंकि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था, उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। ऐसे में वो मुझसे आकर मिला और मुझसे कुछ पैसे उधार लिए और अपनी कंपनी के तमाम कागजात मेरे पास गिरवी रख दिए। ये सब झूठ है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे। मैं ये रुपए किसी भी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा जो सुहेल ने मेरी कंपनी को फाइनेंस किया। समझे तुम? वो पेपर्स देखने के बाद भी नहीं? हरगिज नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसला आप कोर्ट करें। कोर्ट कचहरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मामला बिल्कुल साफ है। अगर पैसे देने से इनकार करोगे तो हवालात जाना पड़ेगा। सोच लो, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। सुहेल की जब मौत हुई उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त मैं चौधरी साहब के घर खाना बना रहा था। अगर मैं होता तो अफसोस नहीं होता। मैं बदला सिंह हूं। अगर मैं होता तो यहां ऐसा नहीं होता। रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बताओ कि सुहेल की किसी के साथ दुश्मनी थी?